सबसे पहले हम गए नींबू उठाने के लिए। वहाँ जाने के बाद फिर घर पे आए, घर पे आगे हमने फिर उसके बाद नमक मिर्च हल्दी लहसुन ये सब तैयार किया। फिर किया मैंने इसको घोटना स्टार्ट। गाइज फाइनली इसको घोटते घोटते 10-15 मिनट में ये लगभग तैयार हो चुका है। इसमें इतना टाइम इसलिए लग गया था क्योंकि बहुत सालों के बाद मैं ये काम कर रहा था, ये हम पहले बचपन में किया करते थे। और इस बार मौका मिला, घर आया था तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये बचपन की यादें ताज़ा कर लें। और फाइनली मैंने इसको चम्मच से इकट्ठा किया, इकट्ठा करने के बाद इसको लिया फिर मैंने कटोरी में, ये देखिए कटोरी लेने के बाद फिर मैं यहाँ पे लग गया गुड़ को कद्दूकस करने में। एकदम बारीक करना है यहाँ गुड़ को भी, मैंने लगभग ये बारीक हो चुका है इतना मैंने गुड़ लिया है। फिर यहाँ पे मैंने चार, चलो अब इनको छील लेते हैं। गए जी देखो छिलते छिलते बीच में वो बीज निकल गए हैं, बीज मैंने साइड में कर दिए हैं, फिर छिलना स्टार्ट किया है। इसमें भी टाइम लगता ही है क्योंकि छोटे छोटे पीस अलग करके रखने पड़ते हैं। ये देखो ये फिर मैंने चाकू उठाया, चाकू से फिर इसको मैंने काटना स्टार्ट किया है क्योंकि इससे काटने से जो है छिलने में बहुत आसानी होती है। ये देखो चलो आप इसको फाइनल छील लेते अच्छी तरह। छीलने के बाद फिर मैंने डाला इसमें दही, और गुड़ तो ऑलरेडी पहले डाला हुआ था। उसके बाद फिर डाला हमने नमक, और नमक डालने के बाद फिर इसको हमने किया है एक हाथ से मिक्स। और ये जो है ना तैयार जो है छाया में किया जाता है क्योंकि अगर हम इसको धूप में अगर तैयार करते हैं तो इसमें कड़वापन ज़्यादा आ जाता है, इसलिए छाया में तैयार करना और धूप में खाना बहुत टेस्टी होता है। इसको खाने के बाद ना विटामिन सी की भी पूर्ति होती है। तो फाइनली गाइज ये हो गया तैयार अच्छी तरह। वीडियो कैसे लगी ये बताना प्लीज़, और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करना। चलो अब इसको खाते हैं।